jack it up. Hello guys and welcome back to Comic Book Universe. सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट वर्जीनिया के ऊपर शील्ड हेलीकॉप्टर के अंदर ब्लैक पैंथर एजेंट जेक से कहता है कि मुझे हमारे चौपे नज़र रखने वाले हर ट्रैकिंग डिवाइस से अपना कनेक्शन चाहिए, सारे सैटेलाइट्स, ग्राउंड कैमराज और सारे बायोमेट्रिक रीडर्स। जेक कहते हैं लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। तब कैप्टन मार्वल आती है और कहती है इसे दे दो जेक। त'चाला बस मांग रहा है, छीन नहीं रहा, और इसका मतलब है कि इसका जो भी प्लान है वो मेरे अंडर रहेगा। तो त'चाला, मैं ना सिर्फ तुम्हें ट्रैकर्स की कमांड दे रही हूँ बल्कि शील्ड एजेंट जेक को भी तुम्हारे मिशन पे भेज रही हूँ, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब त'चाला राजी हो जाता है। ब्लैक पैंथर की शिप पे बैठने के बाद जेक कहता है सीरियसली सर, मुझे आपके साथ काम करके गर्व महसूस हो रहा है। जब मैं ट्रेनिंग में था तब मैंने आपके सारे मिशंस के बारे में पढ़ा था। तब त'चाला पैसेंजर इजेक्ट सीक्वेंस चालू कर देता है और कहता है कि इस सीट में एक गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है और एक पैराशूट है। मैं शील्ड को बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ से लेना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिस पे जेक अपनी सीट बेल्ट खोल देता है और कहता है नहीं, ऐसा मत करो, मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। अब ब्लैक पैंथर कहता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में पढ़ रखा है, तुमने वार मशीन जेम्स रोहड़ी के साथ काम किया है और रोहड़ी कैप्टन मार्वल के एक मिशन के दौरान लगभग मर ही गया था, इसलिए शायद तुम कैप्टन मार्वल से गुस्सा हो। और दूसरी तरफ मैंने भी हीरोज के बीच की पहली लड़ाई के दौरान रोहड़ी को लगभग मार ही दिया था, इसलिए शायद तुम मुझसे भी नाराज हो। अब ये बताओ तुम सच में यहाँ क्या कर रहे हो। जे कहता है कि मैंने शील्ड को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं मानता हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ताकत से सोल्व नहीं किया जा सकता और हल्क उन प्रॉब्लम्स में से एक हो सकता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ताकत सबसे लास्ट में यूज़ करनी चाहिए। अब जेक हल्क बस्टर आर्मर की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं नहीं चाहता कि एमआईडीएस का हाल भी जेम्स रोहड़ी की तरह हो। ब्लैक पैंथर कहता है तुम वकांडा के राजा से बात कर रहे हो, मेरी पूरी ज़िंदगी में लगभग हर टाइम मुझे लड़ाई के परिणामों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है और उसका भी जब मैं नहीं लड़ूंगा तो मुझे हज़ारों लोगों की जिंदगियां बचानी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी ऐसे कुछ डायलॉग्स मार सकते हो। जेक कहता है मैं एक सोल्जर हूँ, एक ऐसा सोल्जर जिसे राजाओं के डिसीजंस के साथ डील करना पड़ता है, तो हाँ मैं भी डायलॉग मार सकता हूँ। त'चाला कहता है तब तो ठीक है, अमाडियस वर्जीनिया छोड़ के जा चुका है और रोनोकी की तरफ बढ़ रहा है। अब जेक ट्रैकर चेक करते हुए कहता है कि मुझे उसके सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और उसके स्ट्रेस वाले हार्मोन्स काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी की लिमिट के अंदर ही हैं और मान सकते हैं कि वो अपने दोस्त के मरने के सदमे से गुजर रहा है। त'चाला कहता है कि तुम भी उसके दिमागी जाल में फंस रहे हो, वो एक इमोशनल बच्चा है, लेकिन एक ऐसा इमोशनल बच्चा जिसके पास हल्क की पावर्स हैं। मैं वहीं पे था जब बैनर ने केनिया बीच के 100 मील के आसपास के एरिया को लगभग डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। बैनर एक अच्छा आदमी था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के पास हल्क जितनी पावर्स नहीं होनी चाहिए वरना करोड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। और आज मुझे एक आदमी की जान की चिंता है, क्लिंट बार्टन की, जिसपे बैनर के मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ है। अगर अमाडियस बार्टन के खिलाफ जाता है तो हमें हल्क को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जेक पूछता है न्यूट्रलाइज, इसका क्या मतलब हुआ। त'चाला कहता है यही तो आज का सवाल है, तुम एक राजा के साथ शेयर करना चाहते थे ना, अब तुम्हारा काम है इस न्यूट्रलाइज का मतलब ढूंढकर निकालना। उधर अमाडियस को पता चल जाता है कि ब्लैक पैंथर उस पर नज़र रख रहा है, इसलिए वो टेबल पे लिखता है बाय, जिसके साथ साथ शील्ड के सारे ट्रैकर सिस्टम खराब हो जाते हैं। अमाडियस एक स्कूटर लेकर जा रहा होता है और उसके अंदर का हल्क डिग्गी को जोरों से पीट रहा है। तब मैडी वैन लेकर आती है और अमाडियस को रुकने के लिए कहती है। अमाडियस कहता है मैं ठीक हूँ और अब रास्ते से हट जाओ इससे पहले कि तुम मुझसे टकरा जाओगी। मैडी कहती है ड्यूड, मैंने तुम्हारी जर्नी का एनालिसिस किया है और मुझे पता चल चुका है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आखिर तुम क्या सोचकर वहाँ जा रहे हो। अमाडियस कहता है कुछ नहीं। मैडी कहती है मुझे लगा ही था, ये लो थोड़ा पानी पी लो, तुम अब तक उस बात को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो ना। अमाडियस कहता है बार्टन, उसने बैनर को मार दिया मैडी। मैडी कहती है बैनर ने ही उसे कहा था, तुमने वो वीडियो तो देखा ही होगा। अमाडियस कहता है लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था, मैंने उसे क्योर कर दिया था और वो फिर कभी हल्क में कन्वर्ट नहीं होने वाला था। मैडी पूछती है तो अब तुम क्या करने वाले हो। अमाडियस कहता है वो मैं तब डिसाइड करूंगा जब मैं बार्टन को देखूंगा। अब मैडी उसकी तरफ देखती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है सुनो, टेक्सस के अंदर मुझे अभी अभी एक मॉन्स्टर के सिग्नल मिले हैं, चलो जाकर उसे पकड़ते हैं। अमाडियस कहता है मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो मैडी,
मैडी कहती है तुम हल्क हो और तुम्हारा काम है मॉन्स्टर्स को पकड़ना। अमाडिस कहता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहा हूँ। मेरी जगह तुम कैरोल डेनवर्स को टेक्सास में भेज सकती हो। और फिर अमाडियस अपना स्कूटर दौड़ाता हुआ चला जाता है। अब चल्क पानी के रास्ते से होता हुआ जंगलों में जाता है और अपने डिवाइस से देखता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुका है। तब अमाडियस को अपने सामने एक कैबिन दिखाई देता है। अब तक अमाडियस के अंदर का हल्क डिग्गी फाड़ कर बाहर आ चुका है। अंदर बैठा होकाई खाना खा रहा होता है कि अमाडियस आकर कैबिन का गेट खोलता है। होकाई कहता है अमाडियस देखो मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो। तब अमाडियस कहता है तुम, और गुस्से में चल्क बन जाता है और कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितने गुस्से में हूँ। होकाई कहता है मुझे लगा ही था। और तब ब्लैक पैंथर जो कि अब तक होकाई का रूप ले रखा था वो अपने असली रूप में आकर कहता है मैंने तुम्हें हर चांस देकर देख लिया अमाडियस। चल्क पूछता है बार्टन कहाँ है। तब त्चाला उस कैबिन को लोहे के बार्स में बंद करते हुए कहता है तुम्हें वो कहीं नहीं मिलेगा। चल्क कहता है तुमने मुझे फंसाया। ब्लैक पैंथर कहता है मैं नहीं फंसा पाता अगर तुम दिमाग से सोच रहे होते, लेकिन तुम दिल से सोच रहे हो और स्मैश कर रहे हो। तब चल्क कैबिन फाड़कर बाहर निकल जाता है जिसपे ब्लैक पैंथर अपने हल्क बस्टर आर्मर में और जैक त्चाला की शिप लेकर चल्क का पीछा करने लगते हैं। ब्लैक पैंथर अपने सोनिक वेपन से चल्क पे अटैक करते हुए कहता है बहुत हो गया। जैक बताता है कि चल्क के गामा लेवल्स बढ़ रहे हैं और वो अपने आप से कंट्रोल खो रहा है। अब चल्क एक जोर की ताली मारता है जिससे त्चाला दूर जाकर गिरता है। अब ब्लैक पैंथर चल्क पे स्पोर क्लाउड का स्प्रे करता है जो कि एक ब्लू व्हेल को भी बेहोश कर सकता है, लेकिन इसे चल्क को कुछ नहीं हो रहा और वह ब्लैक पैंथर के आर्मर को डिस्ट्रॉय करते हुए एक वार करता है। तब अमाडियस को रियलाइज होता है कि वो कंट्रोल खो रहा था और वो त्चाला के पास जाकर कहता है मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। ब्लैक पैंथर कहता है तुम्हें सरेंडर करना होगा इसी टाइम बिना किसी शर्त के, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चल्क कहता है तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह की डिमांड करने का, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तब ब्लैक पैंथर अपने आर्मर से चल्क की पावर्स को एब्जॉर्व करने लगता है और कहता है कि मेरा आर्मर एनर्जी को एब्जॉर्व करके मैग्नीफाई कर सकता है। तुम मुझसे लड़ते रह सकते हो लेकिन उससे मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा, या फिर तुम सरेंडर कर सकते हो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब अमाडियस को मैडी का कॉल आता है जो बता रही है मैं टेक्सास में हूँ और मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं टेक्सास के अंदर एक ब्लास्ट के कारण अफरा तफरी मची हुई है। तब ब्लास्ट में से मैडी एक लड़के को भागते हुए देखती है जिसपे मैडी उसे रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ले चलती है। बच्चा पूछता है क्या ये जगह सुरक्षित है। मैडी कहती है चिंता मत करो हम किसी को तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं देंगे। बच्चा कहता है फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वो बच्चा एक बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।